हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि मैं अपने बचपन का ना एक ड्रीम पूरा करने जा रही हूँ और वो ड्रीम है कुंफू पांडा के डम्पलिंग्स खाना। कुंफू पांडा एक ऐसा कार्टून था जिसको देखने में ना मतलब मैं बिंज वॉच करती थी उसको। मुझे इतना अच्छा लगता है और लगता रहेगा, क्या बनाया है उन्होंने वो कार्टून। और ये है यहाँ पे सफदरजंग एनक्लेव में हुमायूनपुर करके एक जगह है, वहाँ पे है पेमा रेस्टोरेंट। पेमा हिमालयन और चाइनीज़ कुजीन दोनों का कॉम्बिनेशन का रेस्टोरेंट है और बाय चांस मुझे ये मौका मिला है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ अपने इस छोटे से एडवेंचर में, जहाँ पे मैं खाऊंगी कुंफू पांडा के स्पेशल डम्पलिंग्स। लेट्स गो, अब हम चलते हैं कुंफू पांडा के पोके हम डम्पलिंग्स खाएंगे। इंटीरियर इनका ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोजी कम्फी छोटू सा है रेस्टोरेंट, और अंदर से वुडन फ्लोरिंग हो रखी है, वाइट दीवारें कर रखी है, इन्होंने ज़्यादा सजा नहीं रखा है और छोटू सा कॉम्पैक्ट सा है। ये मेरा भाई यहाँ पे नाच रहा है और अभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अभी हम डम्पलिंग्स खाएँगे। पेमा के मेन्यू के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम ऑब्वियसली इनमें से कुछ ऑर्डर नहीं करने वाले, क्योंकि मैं तो एक ही टारगेट से आई हुई हूँ। मेन्यू तो है बहुत सारा, बट हम खाएंगे कुंफू पांडा के डम्पलिंग्स लगातार बार बार, और अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं। ये लेट्स गो। एंड फाइनली आई प्रेजेंट टू यू कुंफू पांडा के डम्पलिंग्स, जो कि छोटे छोटे गोलू गोलू मोलू मोलू हैं, एकदम मॉडरेट साइज़ के हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत अपीलिंग लग रहे हैं। इसकी चटनी एकदम अच्छी सी लग रही है, जो आप बेसिकली डम्पलिंग की चटनी चाहते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव इट, इट्स सो ब्यूटिफुल। हाय, मेरा सपना पूरा होने वाला है। जितनी मैं एक्साइटेड हूँ ना, आई डोंट वॉन्ट कि मैं उतनी डिसअपॉइंटमेंट में चली जाऊँ। आई होप कि ये अच्छा हो। इसको छूने में तो ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको नाउ आई विल ट्राई टू ब्रेक इट। ब्रेक करने में ये जो है पतला था, बाहर से इसकी कवरिंग ज़्यादा मोटी नहीं थी, अंदर चिकन अच्छी तरह से भरा हुआ है, कोरिएंडर है, चिकन है, प्याज है, जो बेसिक सिंपल एक जो हम स्ट्रीट पे मोमोज खाते हैं, जो बेसिक तिब्बतन मोमोज होते हैं, उसकी जो सिंपल वाली फीलिंग होती है वैसी है। चटनी के साथ अब हम इसको लगा के ट्राई करेंगे कि ये कैसा है। एंड इट्स अ माउथ फुल ऑफ फ्लेवर्स। आई कैन रियलाइज कि जब पोहे खाता है तो उसको कितना खुश होता होगा। वो तो बिना चटनी के खा लेते हैं, हम इसको बिना चटनी के नहीं खा सकते, क्योंकि हमको डम्पलिंग के साथ चटनी चाहिए ही चाहिए। डम्पलिंग हो, मोमो हो, डिम्सुम हो, कुछ स्पेशली साइड से कुछ तो डिप होनी चाहिए खाने के लिए। एंड दिस वॉज सो अमेजिंग। ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था और लग रहा था कि हो सकता है इसकी कवरिंग थोड़ी मोटी टाइप की हो, बट दिस वॉज वेरी सॉफ्ट कवरिंग। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी इसको ब्रेक करके कि इसमें इतना सारा जूस है, इसमें टपक रहा था जूस, मतलब ओ हो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना जूस। आखिरी की डिप भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ख़राब तरह से मैंने मोमो को तोड़ा है, तो उस हिसाब से मैं उसकी बाइट ले रही हूँ। एंड दिस वाज अमेजिंग, मस्ट ट्राई दिस आउट। अगर आप कुंफू पांडा मूवी देखे हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट है कि आप ये वाले डिम्सुम कहाँ से मिलेंगे, तो आप यहाँ आके ज़रूर ट्राई करिएगा। दिस इज़ अमेजिंग। एंड दिस वॉज लाइक 263 rupees इंक्लूडिंग टैक्सेस, जिसके अंदर में आपका पेट भी भर जाएगा और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इन मोमोज को खाने का, तो आप ज़रूर खाइए। दिस इज़ अ वंडरफुल बॉल ऑफ हैप्पीनेस। अगर इस वीडियो को देख के आपके मुँह के अंदर भी मेरी तरह पानी आ गया और आपको पो वाले डिम्सम्स खाने हैं और आपको नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।